न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। नमस्कार, न्यूज़वुड में आपका स्वागत है। निधि से मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़वुड की खास स्पेशल बॉलीवुड रिपोर्टर। सत्यम सिनेमा में अभी सब मौजूद हैं। नई दिल्ली के फिलहाल सुपर 30 फिल्म रिलीज हो गई है और आज इसका जो रिव्यू आया है काफ़ी चौंकाने वाला आया है। मूवी फुल पैसा वसूल मूवी बताई जा रही है। इस फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई है, आज दूसरा दिन है। ऐसे में मूवी ने खासकर 50 करोड़ का बिजनेस करने के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। तो ओवरऑल ऋतिक रोशन की काफ़ी सुपर एक्टिंग है, क्या है ऑडियंस का रिव्यू, आइए चलते उनके जानने की कोशिश करते हैं। फिल्म सुपर 30 एक वास्तविक हीरो की मसालेदार दास्तां है। निर्देशक विकास बहल, ऋतिक रोशन, पंकज त्रिपाठी, मृणाल ठाकुर, आदर्श श्रीवास्तव के अलावा नंदी सिंह मुख्य भूमिका में हैं। तमाम कमियों के बावजूद इस फिल्म की भावनात्मक अपील जबरदस्त है, इसी कारण यह फिल्म कई जगहों पर प्रेरित करती है। आनंद कुमार के लिए फिल्म आप देख सकते हैं, फिलहाल कई मायनों में ये फिल्म खास बताई जा रही है। अदिति जी, ये बताइए आप फिल्म सुपर 30 क्यों देखने जा रही हैं? ऋतिक रोशन की वजह से, और मैंने उसका प्रोमो देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो फिल्म का आपने और प्रोमो में क्या क्या आपको काफी इंस्पायर किया है, जो आपको टीजर देखने के बाद आपने ये फैसला किया है कि हमको फिल्म देखना चाहिए? हाँ जी, ऋतिक रोशन इज लुकिंग वेरी नाइस, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। भारत जो आई है 200 करोड़ रुपए और कबीर सिंह आई है 250 करोड़ का बिजनेस के लिए। सिने प्रेमी का कहना है कि कम से कम 200 करोड़ रुपए का जरूर बिजनेस कर सकती है। तो खासकर कैमरा पर्सन डॉक्टर वासु चौधरी के साथ सत्यम सिनेमा से साकिर सके आपकी रिपोर्ट। फिल्म को बेहद नाटकीय तरीके से पेश किया गया है, जिसे आनंद की जीवनी कम ठेठ मसाला फिल्म ज्यादा लगती है। तमाम कमियों के बावजूद इस फिल्म की भावनात्मक अपील जबरदस्त है, ये लोगों को प्रेरित भी करती है। अगर अभिनय की बात करें तो ऋतिक रोशन फिल्म में मिसफिट लगते हैं, उनका अभिनय बुरा नहीं है लेकिन जब वह बोलते हैं तो बहुत बनावटी लगता है। उनका लुक भी उनके किरदार को गंभीरता को हल्का करता है, बॉडी लैंग्वेज में प्रामाणिकता नजर नहीं आती है। फिलहाल सब मिला जुला कर फिल्म को आप देख सकते हैं। तो ये सिने प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आप फिल्म देखने जा रही हैं, किस फिल्म का टिकट है आपके पास? सुपर 30 ऋतिक रोशन की फिल्म देखने जा रही हैं। तो फिल्म को किसने कहा आपको रिकमेंड किया मैम देखने के लिए? आपको रिव्यू देखे जा रही हैं आप, जो ट्रेलर आपने देखा है? ट्रेलर देखा है। तो ट्रेलर आपको पसंद आया मैम? पसंद आया, उसकी एक्टिंग अच्छी लगी ऋतिक रोशन, और उसकी स्टोरी भी हमें नोन है इसलिए देखने के लिए। तो आपको ट्रेलर में क्या खास लगा मैम? तो उसका ऋतिक रोशन की एक्टिंग अच्छी लगी और जो स्टोरी अच्छी लगी सुपर 30 स्टूडेंट्स की है, जो बिहार में उनका कोचिंग सेंटर भी चलता है, तो उसको वैसे भी नॉन कोचिंग सेंटर है इसलिए उसको देखने के लिए जा रहा है। मजेदार होगा। ऋतिक रोशन को लेकर खासकर जो सिने प्रेमी हैं उनका कहना है फिल्म ओवरऑल बहुत ही सुपर बन गई है सुपर 30, और इसका डायरेक्शन बिल्कुल कमाल का है, ऋतिक रोशन की एक्टिंग बिल्कुल कमाल की है। तो बिना चुप के आप इस फिल्म को देख सकते हैं। पूरे ओवरऑल जो ऑडियंस का कहना है 3 से 4 स्टार इस खासकर इसके स्टार इसके मिल रहे हैं। तो बिना आप देर किए मूवी को आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। खासकर काफ़ी इंस्पायर्ड मूवी है और स्टूडेंट को लेकर काफ़ी मोटिवेशनल फिल्म है, तो बिना देर किए आप इस मूवी पर एक बार रिस्क दे सकते हैं। मूवी देखा और आपको मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी है। तो ऋतिक रोशन की एक्टिंग कैसी लगी मैम? बहुत अमेजिंग, बहुत अलग करेक्टर देखने को मिला, बहुत अमेजिंग। गाने कैसे हैं फिल्म में? एवरीथिंग इज सुपर, आई जस्ट लव। काफी डिफरेंट रोल है ऋतिक रोशन इसमें एक्टिंग किया है। तो आपको जिनकी और भी मूवी से पहले आई है इस मूवी और में क्या फर्क है आपको नजर आ रहा है? आपकी मूवी आपने देखा, आपको मूवी कैसी लगी, कितने स्टार देंगे आप मूवी में, खास पहलू क्या रियलिस्टिक लगी का ऋतिक रोशन का एक अलग पहलू देखने को मिला जी। मैम, आपने मूवी कैसी लगी आपको? और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, और वाकई में नेशन चेंजर्स के ऊपर है। पीपल विल बी इंस्पायर्ड बाय दिस मूवी और आई वांट एवरीबॉडी शुड जस्ट सी दिस मूवी सो दैट जो एक डिवाइड दिखाया गया है सोसाइटी में वो दूर हो सके, और एक जो ये समझा जाता है कि जो गरीब बच्चे हैं नहीं पढ़ सकते हैं, एक बहुत बड़ा संदेश दिया है इस पिक्चर से कि ऐसा कुछ नहीं, और किसी भी तबके के लोग, किसी भी जाति या वर्ग के लोग, किसी भी समाज के लोग सपने देख सकते हैं और उन्हें देखने का।
अगर मेहनत करेंगे तो जरूर कहीं पहुंच सकते हैं। मैम, ये मूवी यूथ को क्या मैसेज दे रही है? यूथ को यही मैसेज दे रही है कि आज जो मेहनत करते हैं वही सफलता पाते हैं। हार्डवर्क और सिंसियरिटी, यही दो चीज़ें जो सक्सेस देगी। मैम, आपने मूवी देखा, मूवी कैसी लगी आपको? मूवी बहुत अच्छी थी। मेरी मदर एक टाइम था, मतलब मेरी एज 45 है, मेरी मम्मी ट्यूशन्स पढ़ाती थी और झुग्गी के बच्चे होते थे जिनसे मेरी मदर एक रुपया फीस लेती थी। मतलब उस टाइम पे मेरी मम्मी ने इतना पढ़ाया है, झुग्गी के बच्चों के स्कॉलरशिप आते थे और रात के 2-2 बजे तक हमारे घर में बच्चे पढ़ते थे और पेरेंट्स रात के 2 बजे भी झुग्गी के पेरेंट्स अपने बाहर खड़े होते थे हमारे घर के और 2 रुपये फीस भी मेरी मम्मी ने उन झुग्गी वाले पेरेंट्स से नहीं ली और शी इज़ अ वेरी गुड टीचर। स्कॉलरशिप आई थी 50 बच्चों की उस टाइम पे। मैम, मूवी की सिनेमेटोग्राफी कैसी है? सारी अच्छी है, एवरीथिंग इज़ गुड और बहुत अच्छे से बनाई है और बहुत अच्छी चीज़ इतने साल पुरानी, मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड आज के बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन उस टाइम पर थी आज भी वो चीज़ बच्चों को सिखाई जा रही है and that is a good, very good part of it. मैम, यहाँ जो खासकर मूवी के जो खासकर सॉन्ग है, डायरेक्शन है, इसकी स्क्रिप्ट है और एक्टिंग है, इसके डायलॉग है, वो कैसे हैं? नहीं, everything is good. It's not bad. हाँ, फिलहाल यहाँ पे मैम का कहना है कि सुपर 30 फुल यहाँ पर पैसा वसूल यहाँ पे मूवी है, आप रिस्क ले सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी यहाँ पे बन गई है, तो बिल्कुल आप रिस्क ना लगे, मूवी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जुड़ रहे हैं अभी सुपर 30 फिल्म ये देख कर आ रहे हैं, आइए जानते हैं ओवरऑल फिल्म इनको कैसी लगी। फिल्म आपने देखा, फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म वॉज आउटस्टैंडिंग एक्चुअली। ये फिल्म सबको देखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मोटिवेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मूवी इज बेस्ड ऑन द पुअर पीपल हु आर एक्चुअली सफरिंग। देयर इज़ नो वन टू एजुकेट देम फॉर फ्री, एक्चुअली दे डिडंट हैव मनी। सो मैं कहना चाहूँगा हर बच्चे को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, जो एंट्रेंस की तैयारी करने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवी हमें बताती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा है वही पढ़ाई कर सकता है। पढ़ाई हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चे का हक है पढ़ाई पे। और ऊपर से दूसरी बात ये बताता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैसे, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने धंधा बना रखा है कि वो इतने सारे पैसे ले लेते हैं, बच्चों को कोई एजुकेशन नहीं देते हैं और गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन दिया है इस चीज़ के रिगार्डिंग। ये काफ़ी डिफरेंट एक्टिंग किया है ऋतिक रोशन ने। ऋतिक रोशन की एक्टिंग कैसी आपको लगी ये बताइए? फर्स्ट ऑफ ऑल ऋतिक रोशन दिखने में एकदम, मतलब कह सकते हैं, कहने को इंडियन है बट लेकिन उनकी लुक बिल्कुल फॉरनर वाली है। बट इन दिस मूवी उन्होंने ऐसा शो करा है कि सच में वो पुअर है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी और एवरीथिंग साउंड एवरीथिंग वॉज वेरी मच आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ये बताइए फिल्म का जो लीड का सेकेंड लीड कैरेक्टर है, जो एक्ट्रेस का रोल कैसा आपको लगा फिल्म में, जो हीरोइन है? हीरोइन का रोल तो कुछ ज़्यादा नहीं था, बेसिकली मेन एक्टिंग ऋतिक रोशन की थी और उनका एक ब्रदर बना हुआ था, बेसिकली उन दो की मेन एक्टिंग थी। और जो 30 बच्चे थे सुपर 30 जो उन्होंने रखे थे, मेन उन लोगों की एक्टिंग थी बेसिकली। तो फिल्म के सॉन्ग कैसे लगे, गाने आपको? गाने बहुत अच्छे थे उसमें, बेसिकली जो गाने थे वो सारे मोटिवेशन वाले थे। फिल्म के बारे में बताया जा रहा, काफ़ी मोटिवेशन फिल्म है, एक बार यूथ को ज़रूर ये देखना चाहिए, है काफ़ी इंस्पायर्ड मूवी है। आइए मैम से जाने की कोशिश करते हैं। मैम, आपने मूवी आपने देखा? हाँ जी सर, मूवी बहुत 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 अच्छी है, मेरे हिसाब से सारे बच्चों को देखनी चाहिए। और जिन जो पेरेंट्स बच्चों पर पैसा खर्च करते हैं और पैसा खर्च करने के बाद भी इतने बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो आई थिंक मतलब बच्चों को इतना ये मूवी देखकर सोचना चाहिए कि नहीं, हमारे पैसे मतलब पैसा इतना खर्च कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो मूवी का खास पहलू क्या था कि यूथ को कितना ज़्यादा इंस्पायर्ड कर रही है मूवी? सर मेरे तो बहुत ज़्यादा करेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया है। तो आप खासकर जो सिने प्रेमी हैं, आप उनको देखने के लिए सिनेमा की तरफ आप कह सकती हैं आप कि वो फिल्म दे सकते हैं? हाँ जी सर, बहुत देखिए, सभी देखिए, मेरे हिसाब से तो सबको ही देखनी चाहिए। तो यही आप कहना चाहते हैं कि आप फुल मूवी पैसा वसूल है? हाँ जी बिल्कुल, पैसा वसूल है और बहुत अलग तरह से अच्छी मूवी बनाई है। कुछ टाइम मतलब बहुत सालों बाद बहुत अच्छी मूवी
आई है और देखनी भी चाहिए सबको। काफी सालों के बाद ऐसी मूवी आई है ऐसा कहना है सिने प्रेमियों का, तो एक बार यूथ को इस फिल्म देखने के लिए जरूर रुक करना चाहिए। जिस तरह का रिस्पांस आ रहा है ऐसा लगता है ऋतिक रोशन की ये फिल्म खासकर जो बड़े पर्दे पे रिलीज हुई है और ये 200 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। जिस तरह से आने वाली फिल्में खासकर अभी शाहरुख खान की भारत ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसके बाद कबीर सिंह का रिस्पॉन्स आया है और उसके अगेंस्ट थर्ड ये फिल्म है ऋतिक रोशन की सुपर 30, तो ऑडियंस एक बार जरूर ये फिल्म देख सकती है, काफी अच्छी मूवी बन के आ चुकी है। सुपर 30 की अगर हम बात करें तो इस फ्राइडे को रिलीज फिल्म सुपर 30 काफी चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं। फिलहाल दर्शक फिलहाल सिनेमा में उमड़ चुके हैं और इस मूवी की खास बात है काफ़ी इंस्पायर्ड मूवी है, यूथ को काफ़ी इंस्पायर कर रही है मूवी। और फिल्म में खास डायलॉग हैं, आप देख रहे हैं अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। फिल्म को आप बिना झिझक के एक बार सिनेमा का रुख कर सकते हैं और आप बहुत दिनों के बाद ऐसी मूवी बन सकी है तो आप बिना देर किए सिनेमा की तरफ रुख करके आप फिल्म देख सकते हैं। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं साकिब सिकरिया, न्यूज़ फुल दिल्ली।